नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे एनआईटी के ओ साइंटिस्ट, ओ फ्यूचर के वैज्ञानिक, फ्यूचर के बिजनेस टाइकून, फ्यूचर के हमारे ओ टेक्नोक्रेट्स जो आपके सामने हैं, इन्हीं से पूछता हूं कि जो आज आपने मॉडल बनाई है वो क्या है और इसमें क्या इनोवेटिव है, क्या नया है जो आपने बनाया? नाम बताने के साथ बताइए। मेरा नाम, माय नेम इज अपन दास, आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ये क्या बनाया? हम लोग ने ये एक ब्लास्ट फर्नेस का कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, मॉडल बना के, स्टैटिक मॉडल है, उसी का आइडिया आपको प्रपोज किया। इसमें क्या क्या है, समझाइए हमें क्या क्या है। ये मटेरियल्स डालने के लिए है। यहाँ पे आयरन ओर, कोक और लाइमस्टोन और स्क्रैप कंटिन्यूसली जाते रहता है। अच्छा। और नीचे से एक हॉट एयर ब्लास्ट ट्यूब है जिसमें हॉट एयर विद एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे विद अ प्रेशर इसको अंदर मतलब पुश किया जाता है। फिर इस मटेरियल्स और इस मटेरियल्स को कंबाइन करके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है जिससे हम लोग का प्योर मेटल्स मतलब प्योर मेटल्स का और इम्प्योरिटीज को हटाने का प्रोसेस शुरू होता है। अच्छा। तो सबसे पहले कितने डिग्री सेंटीग्रेड में आप जो नीचे जो लिखा है आपने, वो उसके बारे में जरा बताइए। ये सब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्ट होता है, मतलब अकर होता है। तो सबसे पहले कार्बन जो हम लोग लेते हैं, कोक, वो इस हॉट एयर ब्लास्ट के रिएक्शन में आते ही एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है जो सबसे लोअर डिग्री में वो रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट रहता है। फिर आयरन ओर जो लेते हैं वो नीचे आते आते 700 डिग्री सेल्सियस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके रिड्यूस होता है जो बनाता है Fe2O3। फिर उसके नीचे कम से कम 900 डिग्री सेल्सियस में Fe2O3 वापस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होके FeO बनाता है जो इम्प्योर स्टेट रहता है। उसके बाद लाइमस्टोन हम लोग जो लेते हैं CaCO3, वो वापस मतलब कि थोड़ा और मतलब कि 1000 अराउंड डिग्री सेल्सियस में वो रिड्यूस होता है CaO में। हाँ, अब जो वो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होता है आयरन ओर में, वो CaO और मेनली सिलिका प्रेजेंट होता है आयरन ओर में। तो SiO और ये CaO रिएक्ट करके एक स्लैग बनाता है जो कैल्शियम सिलिकेट रहता है, CaSiO3। हाँ, तो यही मेजर इम्प्योरिटी रहता है और ये हायर टेम्परेचर में मोल्टन स्टेट में रहता है। अब जब जैसे ही नीचे आते हैं हायर स्टेट में, तो अब सब मोल्टन आयरन मतलब कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में, हाँ 1500 टू अराउंड 1800 रेंज में। हाँ, अब मोल्टन आयरन ये लगभग प्योर होता है, मतलब कि पूरा प्योर नहीं होता है। तो मोल्टन स्लैग जो है वो मोल्टन आयरन से कम डेंस रहता है, इसके लिए वो ऊपर लेयर में कलेक्ट हो जाता है और मोल्टन आयरन नीचे रहता है। और मोल्टन स्लैग इधर से हम लोग राइट साइड से हम लोग कलेक्ट करते हैं और मोल्टन आयरन हम लोग लेफ्ट साइड से कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मतलब कि नेक्स्ट और प्रोसेस रहता है उसको और प्योर बनाने के लिए, जैसे कि ये जो आयरन हम लोग लिए हैं ये पिग आयरन है। उसके बाद कास्ट आयरन आता है, उसके बाद फिर रॉट आयरन आता है। ये पूरा प्रोसीजर है इस मॉडल का। आपका क्या नाम है? माय नेम इज आयुष कुमार सर, आई एम फ्रॉम मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वी आर द टीम इमरल्स ऑफ दिस। आपका टीम एफर्ट है ये? यस सर। माय नेम इज नंदराज कुमार एंड आई एम फर्स्ट ईयर फ्रॉम मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड वी हैव क्रिएटेड द मॉडल ऑन ब्लास्ट फर्नेस। अच्छा, ब्लास्ट फर्नेस स्टील इंडस्ट्री का सबसे सबसे माने इम्पोर्टेंट मेजर पार्ट है, कोर पार्ट है, क्योंकि उसी के बाद स्टील बनती है, मेटल्स बनते हैं और उसी में सेग्रीगेशन होता है और बाकी सारी चीज़ें उसी में हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्टील बन जाता है। तो आप बताइए कि क्या आने वाले दिनों में ऐसी टेक्नोलॉजी के बाद कोई इसका सब्स्टिट्यूट बनाया जा रहा है? क्या इसका कुछ सब्स्टिट्यूट है आने वाले दिनों में? अगर हम ये ब्लास्ट फर्नेस को यूटिलाइज ना करें, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है? क्या आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि विदाउट इस तरीके से कुछ ऐसा हो कि जो आयरन ओर से हम आयरन बना सकें? इस पे काम चल रहा है? हाँ, इसमें मतलब कि थॉट प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि अभी फिलहाल के लिए इसी को और एक लेवल मॉडिफाई करने का बारे में सोचा जा रहा है। क्या? जैसे कि मतलब कि स्लैग, जैसे कि ये जो इम्प्योरिटीज़ है ना, वो उसको ना पहले ही रिमूव करने का सोचा जा रहा है। वो नीचे आते ना, वो प्योर तो बन नहीं रहा है, इसके लिए तीन प्रोसेस और करना पड़ रहा है। तो वो कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए वो एक प्रोसेस में ही कंप्लीट हो जाए, इसके लिए वो स्लैग को पहले ही रिमूव कर सकते हैं। मैं स्लैग को पहले कार्बन इमर्सन वाला जो टेक्नोलॉजी है, कार्बन इमर्सन, उसके ऊपर काम चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे?
सर एक्चुअली अभी एट प्रेजेंट इंडस्ट्री में यहाँ से जो भी स्टील प्रोड्यूस होता है वो 100% प्योर नहीं होता, उसमें कुछ इम्प्योरिटी रहता है। तो फ्यूचर में ऐसे इनोवेशन होने वाले हैं जिसके कारण एक ही प्लांट में हम लोग 99% से ज़्यादा प्योरिटी का स्टील को भी मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, क्योंकि इस ब्लास्ट फर्नेस में इस वक्त 95-96% प्योर आयरन ही निकल रहा है, तो इसके ऊपर काम चलेगा। थैंक यू NIT के स्टूडेंट्स जो लेज़र क्लैडिंग के ऊपर कुछ प्रोसेस के ऊपर उसने प्रोजेक्ट बनाई प्रोटोटाइप वर्किंग मॉडल, तो ये क्या है ज़रा हमें बताइए, और पूरे आप जैसे इन्वेस्टर्स और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत सारे लोगों के लिए क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं और क्या इम्पैक्ट डालती है हमारी इंडस्ट्री पर और कहाँ यूज़ है इसका, ज़रा बताएं आप नाम बताने के साथ। मैं अभिषेक अग्रहरी हूँ, NIT जमशेदपुर का छात्र हूँ जी। ये मेरे मित्र है। मैं हूँ संदीप कुमार सौ, मैं भी NIT का हूँ सर। ये हमने बनाया है लेज़र क्लैडिंग प्रोसेस, हमने वो डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। सर इसमें क्या किया जाता है कि दो मेटल्स को एक साथ वेल्ड किया जाता है, लेकिन एक यूनिक तरीके से लेज़र का मदद से। सर इसमें क्या होता है कि एक कन्वेयर बेल्ट होता है, उस पर एक मेटल लगा रहता है और ऊपर से एक लेज़र बीम जो कि बहुत पावरफुल बीम रहती है वो उस पर गिरती है। तो सर इससे होते क्या, और साइमल्टेनियसली एक ही साथ वहाँ पे एक दूसरे मेटल जो कि हमें वेल्ड करना है वो उस पर गिरते हैं। तो सर इससे क्या होता है, इसकी जो एनर्जी है लेज़र की सर, उससे जो ये फर्स्ट मेटल था जो कन्वेयर बेल्ट पे, सर उससे एक हेट्रोजीनियस पूल जनरेट होता है मोल्टेन मेटल्स का। सर जब वो पाउडर्ड मेटल उस पर गिरता है तो सर वो भी मेल्ट कर जाता है और दोनों एक साथ इस प्रोसेस से वेल्ड हो जाता है। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ता है सर वो जो मोल्टेन सर वो मतलब ये वेल्ड होते जाता है एक साथ। मतलब ये लॉन्ग वेल्डिंग के लिए लॉन्ग माने लॉन्ग टर्म में अगर कहा जाए तो इसको लगातार वेल्डिंग करने के लिए। लेकिन ये बताइए कि मैंने कई एक जगह पे देखा है, जैसे आपने कहा कि लेज़र बीम को हम चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर एक पाउडर ड्रॉप होगा, इसके बाद ये प्रोसेस होता जाएगा और ये वेल्डिंग होता जाएगा। रेलवे की पटरियाँ, रेलवे ट्रैक को जब हम लोग जोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रेलवे में जब होता है तो ट्रैक का अलग हो जाना होता है, पटरियाँ अलग हो जाती हैं। तो रेलवे ट्रैक को जब हम लोग जोड़ते हैं वो वेल्डिंग या उसके साथ जो ट्रैक को जोड़ने का जो तकनीक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और वो लोगों के सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो क्या इस टेक्निक से अगर उस पर काम किया जाए तो क्या जो अभी हम यूटिलाइज करते हैं कि कार्बन या बहुत सारी चीज़ों को स्टील या जो मेटल डालते हैं उनको ले करके और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हम पैक करते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद हम हटा देते हैं और उसको फिर ठंडा होने के बाद हम यूटिलाइज करते हैं उस रेलवे ट्रैक को ग्राइंडिंग के बाद, आफ्टर ग्राइंडिंग, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी रह जाता है। हाँ, क्योंकि हम लोग उसको बकायदा माने उसको ढलाई कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा क्या अगर ऐसा यूज करें तो? सर रेलवे पटरियों के जो ठीक करने के लिए प्रोसेस उसे थर्माइट वेल्डिंग कहते हैं सर, उसमें वो मैग्नीशियम बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उससे वेल्डिंग की जाती है। सर इसका यूज़ जो है सर वो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं, क्योंकि ये तो हमने प्रोटोटाइप बनाया छोटा मशीन, वो जो मशीन है वो बहुत बड़ी होती है और एक बहुत बड़े लेज़र की ज़रूरत होती है। सर रेलवे पटरी पर वो चलाना इतने अभी के जनरेशन में तो इतने फीजिबल नहीं है, ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए परफेक्ट है सर। इंफ्रास्ट्रक्चरल यूज़ करके यस सर, यस सर। मैं करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रेलवे पटरी में वहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए एक पोर्टेबल चीज़ चाहिए होगा, बट ये क्वाइट बिग होती है तो इसे पोर्टेबल नहीं कर, बट विल ट्राई कि फ्यूचर में ऐसा कुछ बन सके। आप ही लोगों पे तो उम्मीद है। एग्जैक्टली आप कौन बनाए और क्या, यू आर साइंटिस्ट, यू आर हीरो ऑफ दिस फील्ड, है ना? आप लोगों ने ही तो बनाना है, आप लोग पोर्टेबल बनाइए कि जिससे कि ये कहीं भी, क्योंकि ऐसा वेल्डिंग तो होगा तो हमें लगता है कि जो रियल मेटल है वेल्डिंग वाला उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना? आपका क्या नाम है बेटा, आप भी इस प्रोजेक्ट से हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है ये प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने डेवलप किया है, क्या फील करती हैं आप? सर मतलब कि अभी तो इतना ये नहीं है, पर ये इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ होता है, तो कटिंग टूल, ड्रिलिंग टूल, ये सब के लिए यूज़ होता है। बाकी इन फ्यूचर देखा जाएगा इससे और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग उस पे काम करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अदिति प्रसाद है और मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये बहुत थिन लेयर जनरेट करता है और ये काफ़ी हाई स्पीड में हो सकता है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये फ्यूचर यूज़ के लिए। बहुत गुड। आपका? माय नेम इज़ देवांशु अग्रवाल। हाँ अच्छा है, मतलब मोस्ट इफ़िशियंट है अभी के लिए एंड इंडिया को नीड भी है, मतलब इस टाइम पे अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो बहुत अच्छा है कि मतलब एक स्मूथ सरफेस अगर हमें अगर इजी टाइम इफ़िशियंट भी है
नॉन पोलर सरफेस भी मिलता है इससे, हमें बहुत सारा चीज मिलता है इससे, तो अच्छा है। देखिए जैसे अदिति ने बताया कि थिन लेयर, आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन समथिंग कि ये लेजर क्रैडिंग का जो प्रोटोटाइप जब हमने सोचा था तो इसमें हमने बहुत कुछ सोचा कि क्या कैसे होगा, बट हमारे पास बस 2 दिन का समय था, तो वही कि बहुत सारा जुगाड़ इसमें लगा है। हाँ ठीक है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में ही चलती है और इंडिया में, इंडिया की जुगाड़ टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में फेमस है, और आप इंजीनियर्स और हमारे विलेजर्स दोनों ने मिलकर कुछ ऐसी चीज डेवलप कर देते हैं कि जो कि ऐसा लगता है कि ये विश्व वाले दुनिया के लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे संभव है, यूरोप के लोगों के लिए बहुत बड़ा पैसा खर्चा, उतना पैसा जितना पैसा में वो खर्चा कर रहे हैं, जितना पैसा में हमने 10% भी हम नहीं यूज करके मंगल है, तो सर यही वो तरीका है जिससे हम वो सब कर पाते हैं देसी जुगाड़ से। कितना सुंदर बात कहा कि नासा जितना पैसा खर्च करती है उसका 10% हम खर्च करके मंगलयान या हम ऐसी चीज बना लेते हैं, इसीलिए सबसे मतलब जितना में हमने मंगलयान बनाया था उतना में उनकी फिल्म बनी थी मार्शियन, द मार्शियन। वाह ग्रेट, देखिए ये बहुत सुंदर बात है कि इसीलिए पूरी दुनिया के लोग अगर हमारे इंडस्ट्री में आते हैं और कहते हैं कि भाई हम अपने रॉकेट को या हम अपने किसी भी सैटेलाइट को आपके प्लेटफॉर्म से छोड़ना चाहते हैं, कारण क्या है कि हमारा बहुत कॉस्ट कटिंग है, कॉस्ट एफिशिएंट है, और उस एफिशिएंसी में पूरा दुनिया का हम मार्केट बन गए हैं, तो आप जैसे हीरो ही तो उसके पीछे हैं, और कौन है। तो जैसे इन्होंने बताया अदिति ने कि देखिए ये बहुत थीन लेयर प्रोड्यूस करता है इसके थ्रू, तो थीन लेयर जब होगा तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी और ये फिनिश वेल प्रोडक्ट होगा, और जिससे कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट्स बनते हैं। या जैसे बहुत सुंदर बात कहा कि इंडस्ट्री में एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, जैसे टाटा इंडस्ट्री एक किल को भी बनाती है तो उस किल के प्रति एक्यूरेसी, इसलिए क्योंकि एक किल अगर एक एक सेकेंड में मशीन से बर्बाद होता जाए तो टनों टन किल हमें वेस्टेज होगा, तो इसीलिए एक्यूरेसी इन द प्रोडक्ट। तो बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने बनाया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आने वाले दिनों में, आज भी हीरो हैं आप और कल और बड़े मेगा स्टार बने इस सेक्टर के। नमस्कार फ्रेंड्स, अल्युमिनियम का नाम आपने सुना है, हमारे देश में स्टील इंडस्ट्री और अल्युमिनियम इंडस्ट्री, अल्युमिनियम एक अपने आप में एक ऐसी सब्स्टिट्यूट है कि जिससे डेवलपिंग कंट्री को जीने का सहारा मिलता है। अल्युमिनियम एक ऐसा प्रोडक्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट को जब खास करके मेटल के प्रोडक्ट को हम यूटिलाइज करते हैं तो अल्युमिनियम बहुत ही कॉस्ट इफिशियंट होता है, सस्ता होता है, ड्यूरेबल होता है, और प्लस एक दूसरे जगह पर कैरी करने के लिए होता है क्योंकि उसमें वेट कम होता है। तो आपने अल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन है ना, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है, क्या है ये? क्योंकि आप जैसे लोगों पर तो हम लोग गौरव करते हैं और पूरा भारतवर्ष गौरव करता है, तो आप लोगों से ही हम लोग आगे फ्यूचर बनाते हैं अपने देश के तरक्की का, डेवलपमेंट का। तो अपना नाम बताइए और क्या है जरा वो बताइए। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ क्रिस राठौर एंड वी आर फ्रॉम NIT जमशेदपुर फ्रॉम मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग ब्रांच। सर हमारा जो मॉडल है वो है हॉल हेरॉल्ड के बेसिस पे। सबसे पहले तो सर हम यहाँ पर एल्यूमिना लेते हैं, L2O3 लेते हैं। हाँ सर, सबसे पहले हम इसे बॉक्साइट की ओर से निकालते हैं L2O3 के फॉर्म में, और हम उसे मेल्ट इसमें डालते हैं, मॉल्टन L2O3 डालते हैं। उसकी वजह से सर जो हमारे जो लाइनिंग लगी है सबसे नीचे जो है बेस में, हमारी कार्बन कैथोड की लाइन लगी हुई है, और जो ऊपर जो आपको स्टील का दिख रहा है हमारी एनोड की लाइन हुई है। अच्छा। उसकी वजह से जो एल्यूमिनियम होगा जो वो लिक्विड के शेप में नीचे बेस में अच्छा, आ जाएगा इसी के अंदर। हाँ, इसी के अंदर बेस पे। हाँ सर, ये जो बेस की जो लाइन है सर इसमें आके स्टोर हो जाएगा। हाँ सर, उसके बाद जो ऑक्साइड होगा वो ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा। तो अच्छा। हमारा जो होगा वो मेन जो एल्युमिनियम जो है वो पाइप के थ्रू निकल जाएगा। अच्छा। हाँ सर, तो इससे कॉस्ट एफिशिएंट है? कॉस्ट एफिशिएंट है सर। हम इसमें यूज़ करते हैं Na3Al6 क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार, जिससे क्या होता है सर मेल्टिंग पॉइंट उसका जो रहता है एल्युमिनियम का वो कम रह जाता है। अगर हम उसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो एल्युमिनियम हाई मेल्टिंग पॉइंट पर अगर यूज़ करेंगे तो कॉस्टली ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से एल्युमिनियम वेपराइज होगा, उससे हमारे लिए भी लॉस है। तो हम उसके लिए जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ना उससे जो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वो कॉस्टली हो जाएगा, और थर्मल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम फ्लोर स्पार यूज़ करते हैं CF2। CF2, यस सर। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है, एफिशिएंट और आने वाले टाइम के लिए हम लोगों के लिए एक बड़ा बेस्ट ऑप्शन भी है। हाँ सर, कि हम लोग इसको यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा मेगा मैसिव वे में करें। अभी भी ज़्यादातर यही प्रोसेस यूज़ होता है एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन। नाम बताइए सर। माय नेम इज़ ओम देवान,
आई एम ऑल्सो फ्रॉम NIT जमशेदपुर मेटलर्जिकल एंड मेटल। आप बताइए कि ये जो मेगा अभी हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, ये सर, तो क्या इसके अलावा भी और कुछ सिस्टम डेवलप करने का इरादा है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि जिससे भी और ज़्यादा एफिशिएंट हो और भी हम लोग दुनिया में दे सके, दूसरे को दे सके? सर हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि हम इससे बेटर प्रोसेस ला पाए। अभी तो फिलहाल में यही सबसे बेस्ट प्रोसेस है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन का, पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम इससे भी बेटर प्रोसेस ला के इंडिया के लिए और पूरे देश के लिए फायदा करें। बहुत बहुत शुभकामना आपको किसके लिए। अच्छा ये बताइए कि एल्यूमिनियम का यूटिलाइजेशन किस किस इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है, क्या कुछ आपने स्टडी किया था कि कहाँ कहाँ हम ज़्यादा यूज़ करें? हाँ सर, एल्यूमिनियम का जो यूज़ है वो हर फील्ड में ही यूज़ होता है, और उसका जैसे आप बोले कि वो लाइट वेट है और वो मतलब स्टील का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, तो वो एयरक्राफ्ट्स में और अभी तो नए नए बिल्डिंग्स में भी यूज़ हो रहा है, और इसका यूज़ हर मतलब हर फील्ड में अच्छा खासा ही हो रहा है अभी। अच्छा, एयरक्राफ्ट में जो हम लोग एल्युमिनियम यूज़ करते हैं वो कुछ और टाइप का होता है, उसका कुछ क्या है उसमें खासियत कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, हल्का भी होता है, और समझिए कि वो लाइट वेट भी है, तो क्या है उसका? सर क्या, ठीक है कोई बात नहीं, क्या आप ये बताइए कि जो आने वाले दिनों में एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, जब हम लोग जो इंडिया में इनोवेशन चल रहा है, आप जैसे हीरोज़ ने काम करना शुरू कर दिया है, तो आने वाले दिनों में क्या इंडस्ट्री को देखते हैं कि हम लोग क्या एल्युमिनियम के थ्रू या जो अपना जो योगदान है कंट्री के डेवलपमेंट में, क्या हम लोग उसको एकदम पूरा मीट कर पाएंगे जो आप लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है उसके हिसाब से? यस सर, हम लोग को जिस हिसाब से ट्रेनिंग मिल रही है उससे यही लगता है सर, हम लोग एल्युमिनियम इंडस्ट्री और बूस्ट हो सकती है इंडिया पे, अभी तो फिलहाल बूस्ट हो ही रहा है सर, और आने वाले दिनों में और भी बूस्ट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो एयरक्राफ्ट एयर प्रेशर कुकर आपने देखा होगा घरों में, प्रेशर कुकर जो होते हैं ना, तो समझिए कि उसके तरीके का ही वो एल्युमिनियम क्वालिटी होता है, उससे और ज़्यादा वेस्ट जो एरोप्लेन में होता है, जिससे कि प्रेशर को भी और टेम्परेचर को भी दोनों को बर्दाश्त करने की सलाहियत और क्षमता होनी चाहिए उस एल्युमिनियम में, तो उस एल्युमिनियम की जो क्वालिटी होती है सबसे बेस्ट होती है जो एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, और एल्युमिनियम हमारे देश के डेवलपमेंट की बेस है, और आप लोगों ने जो काम किया है, जिसके ऊपर रिसर्च किया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, इसमें आप लोग बहुत अच्छा काम करिए। नमस्कार डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से। नमस्कार फ्रेंड्स, मटेरियल में मशरूम मटेरियल्स, आपको पता है कि ये एग्रीकल्चरल जितनी कंट्रीज हैं वो एक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है कि जो कि एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट हो, और उसको फाइन करके हम अपने इंडस्ट्री, अपने हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स और अपने लाइवलीहुड के लिए बेस्ट कर सकें, तो उसी में मशरूम मटेरियल है, और फिनलैंड गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है, मतलब आने वाले दिनों में फिनलैंड ने स्वीकार कर लिया है कि हम लोग एग्रीकल्चरल गुड्स के प्रोडक्ट पे या उनके वेस्ट पर या उसके सब्स्टिट्यूट पे काम करना शुरू करेंगे, तो उसी बीच हमारे NIT के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मशरूम मटेरियल पे इनोवेटिव काम शुरू कर दिया है कि जो आने वाले दिनों के लिए एक बेंचमार्क है। सबसे पहले अपना नाम और परिचय बताइए और ये मॉडल का नाम बताइए। सर आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम गया बिहार, एंड आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स डिपार्टमेंट फ्रॉम NIT जमशेदपुर, एंड दिस प्रोजेक्ट नेम इज बायोवेटिव विच इज रीथिंकिंग मटेरियल्स विथ बायोलॉजी मशरूम मटेरियल्स। ये है, ठीक है, अपना नाम बताइए और इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाइए जो आप बता रहे थे कि क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, हम लोग इसमें कितना काम कर रहे हैं और आगे इसका फ्यूचर क्या है। मेरा नाम सागनिक पटवारी है। वेरी गुड। ये मैं इस मॉडल के बारे में समझाता हूँ। मशरूम का चार इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक कैप होता है, गिल्स होता है जिसके अंदर स्पोर्स होता है, नीचे दिखाइए, स्टेम से होता है इसमें, फिर उसका जो रूट सिस्टम होता है उसे हाइफी बोला जाता है। हाइफी जब ग्रो करता है, जब पेड़ में आप मशरूम तोड़ने जाएंगे देखना तोड़ नहीं पाएंगे, वो ब्रेक हो जाता है और रूट से नहीं आता है, क्यों उसका जो हाइफी नेटवर्क होता है बहुत डेंस नेटवर्क बना लेता है, उस कलेक्टिव नेटवर्क को हम माइसिलियम बोला जाता है, उसी का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसी का प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग मशरूम को ग्रो करवाएंगे, उसका माइसिलियम को जब सब्सट्रेट में ग्रो करवाए, इसे इनोकुलम बोला जाता है। इनोकुलम एक थिंग होता है जो जिससे दूसरे बड़े पार्टिकल्स में उसको इन्फेक्ट कर सकते, तो ये छोटे पार्टिकल्स में पहले हम लोग मशरूम का पीस काट के उसको ग्रो करवाएंगे। इसमें हम लोग ने कॉर्न यूज़ किया है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स है और ये इसे डाइजेस्ट भी कर सकता है, तो इसमें मशरूम ग्रो हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है ये सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है, ये मशरूम फार्म
फार्मिंग जो कर रहे हैं इंडिया में वो लोग यूज़ करते हैं। बैग्स में सॉडस्ट डालते हैं, फिर उसे उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, और मशरूम का स्पॉन जो यहाँ से मिलता है दुकान से वो लाके वो लोग ग्रो करवाते हैं। उसी वो ग्रो करते करते उसी में माइसिलियम तैयार होता है। इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंडोनेशिया में लेदर बन रहा है मशरूम से, माइसिलियम लेदर। और दो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनाए माइकोवर्ट्स और इकोवेटिव का। वो लोग क्या बनाते मशरूम कंपोजिट है, मतलब किसी भी हम लोग एक मोल्ड लेंगे उसमें सब्सट्रेट डालेंगे और मशरूम का ग्रो करवाएंगे उसमें, तो माइसिलियम उसी ढांचे में आ जाएगा। आने के बाद इसमें करीब एक हफ्ता लगता है, एक हफ्ते के लगने के बाद उस पूरा सफ़ेद जब हो जाता है उसको सुखाना पड़ता है। दो एक दिन सुखाया फिर उसको बेक करने से सेल्स रेड हो जाता है, तो सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे। तो उससे मतलब इस तरीके से सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाँ, और उसका क्या क्या यूटिलाइजेशन है? उससे हम फोम बना सकते हैं, ब्रिक बना सकते हैं, और टेबल चेयर सब बना सकते हैं। वो इतना वजन ले सकता है। अच्छा। मतलब वो जो कि पहले वेस्ट हो जाता था उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता था, अब हम लोग उसको रीयूज करके, जैसे फिनलैंड ने शुरू किया है, उस कंट्री में काम शुरू हो गया है, तो हम लोग उसको रीयूज करके एक माने वुड का सब्स्टिट्यूट भी बना सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, उससे यूज करके हम लोग, मतलब उस मटेरियल को यूज करके हम लोग ये, क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ हमारे पास वाटर रेजिस्टेंट होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, तो और फार्मर्स यहाँ ग्रो करवा सकते हैं इंडिया में, और ये तो उनको प्रॉफिट होगा और इन्वायरमेंट को प्रॉफिट होगा। और इसका एग्जांपल भी दिया गया है, जो मेरा दोस्त बता सकता है एग्जांपल कहाँ कहाँ इसका बिल्डिंग बना है। 40 फीट का एक बिल्डिंग बना है। कहाँ कहाँ बना है ये? हमारे एक द ग्रोइंग पवेलियन नाम का एक बिल्डिंग बना है जो कि नीदरलैंड में है। अच्छा। हमारे नीदरलैंड की बिल्डिंग है कि जो कि इसी के से तैयार हुई है। हाँ, और ये ग्रोइंग बिल्डिंग है, ग्रोइंग बिल्डिंग है, और ये हमेशा धीरे धीरे करके ग्रो करती है। और इसके फ्रिक्शन फैक्ट्री कुछ कंपनियां हैं, फ्रिक्शन फैक्ट्री, टेंटेक और ब्यूटनिक। अच्छा। ब्यूटनिक जो कि हमारा ये सब चीज़ों पे काम कर रहा है जो कि नीदरलैंड में है। और हमारा दूसरा एग्जांपल है ये मशरूम टावर। अच्छा। मशरूम टावर जो कि मशरूम टावर कहाँ पे है? ये मशरूम टावर 40 फीट की है जो कि मोमा में बना हुआ है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि ये हमारे न्यूयॉर्क में है। अच्छा। ये ऐसा ये बनाया गया है और इसको ये प्राइज भी मिला है एज अ बहुत सुंदर। देखिए मशरूम टावर आपने सुना होगा, ट्विन टावर जो यूएसए में अमेरिका में था और खुदा न खास्ता वो नहीं हमारे बीच है, वहाँ पर अब जीरो प्लेस है उस जगह का नाम है अब। तो आज जो मशरूम टावर है अमेरिका ने बनाया है अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव है, और हमारे स्टूडेंट से हमारे हीरोज यही बता रहे हैं कि मशरूम टावर या इस तरीके के प्रोडक्ट को लेकर के हम अगर काम करते हैं तो आने वाले दिनों में हम माने वुड का भी सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं, जो कि ये बहुत बेस्ट होगा, फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा, और फार्मर्स को मशरूम उगाने के साथ साथ उनको वो सब इकोनॉमिकली बेनिफिट भी मिलेगा कि जो कि हम लोग उसको दे सकते हैं। मतलब मल्टी लेयर इकोनॉमिकल बेनिफिट है इसके थ्रू, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस यस। और जो लेदर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, लेदर भी इसको हम बना सकते हैं। हाँ, ये वीटीटी लैब जो फिनलैंड ने ये किया, ये फिनलैंड ने लेदर बनाया इसका, लेदर बनाया उन्होंने, क्या किया माइसिलियम को बायोरिएक्टर में बनाया। अच्छा। हाँ, तो बायोरिएक्टर में बनने के बाद वो पानी पानी जैसा रहता है, उसको डी वाटराइज किया। हाँ। डी वाटराइज करके उन्होंने एक मशीन से उसको एक 1 मीटर लंबा कॉन्वेयर बेल्ट पे फैला दिया, तो उससे पूरा एक लेदर बन गया 1 मीटर का। और वो उसमें डिजाइन भी आ सकता है, अगर वो कन्वेयर बेल्ट में अगर कोई पैटर्न हुआ तो लिक्विड जब उसके ऊपर जाएगा तो क्ले जैसा है, तो गया तो वो सूखने के बाद उसमें पैटर्न आएगा, तो इनबिल वो पैटर्न बनेगा। और लेदर बनने में 6 साल लगता है, एक कोई एनिमल ग्रो करेगा फिर उससे लेदर बनेगा, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। और हाँ, और इसमें वाटर भी बहुत यूज होता है। लेदर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वाटर वेस्ट अगर कहीं है तो लेदर इंडस्ट्री में है। अगर हमने ऐसा काम कर लिया तो वाटर हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उससे वाटर एक्सट्रैक्ट कर रिसाइकल करेंगे। हाँ, रिसाइकल कर सकते हैं। और ये टाइम बहुत कम जाएगा, 6 साल से 6 दिन हो जाएगा ये। हाँ, 6 दिन में अभी हम लोग ग्रो कर सकते हैं, मतलब 6 साल के ड्यूरेशन को जो लेदर का नेचुरल प्रोसेस है बनने का। हाँ। जैसे और लेदर के हमारे जैसे और सब एनिमल जो हमारे प्रोसेस है उसको एनिमल से हम लोग लेदर लेते हैं, तो इससे हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो हम लोग 6 दिन में वो लेदर ले सकते हैं। हाँ, ये एडिडास यूज़ कर रहे हैं,
और बड़े बड़े कंपनी भी इसका एडिडास कंपनी यूज कर रही है। हाँ कर रही है। हाँ वेरी गुड। और क्या कहना चाहेंगे, फाइनल वर्ड्स क्या कहेंगे आपकी, इस पर क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, आपको इंस्टीट्यूट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्या करना चाहेंगे? पहला तो फार्मर्स को इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा जी। उसके पहले हमें प्रोटोटाइप बना के देखना पड़ेगा जो यहाँ एनवायरमेंट में बन रहा है कि नहीं, बन तो जाएगा जी। हाँ फिर हम अगर बना लिए तब वो हम लोग फार्मर्स को समझा सकते हैं कैसे बनाना है। मतलब रिसर्च और इनोवेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, जरूरत है, ठीक हाँ, है ना? हाँ, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले टाइम के ये सब इंडस्ट्रीज ही साइन करेगी, क्योंकि अब लोगों को सब्स्टिट्यूट चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम लोग नेचुरल चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जो प्रकृति से निकाल के यूज करते हैं, अब उसको रीयूज करने की इंडस्ट्री डेवलप करनी होगी, तो रीयूज इंडस्ट्री जो होगी अभी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नीम भी इंडस्ट्री में आयरन मेकिंग में यूटिलाइज हो सकता है ना, नीम का भी बहुत बड़ा प्रयोग है, एक तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी नीम को कहा जाता है औषधि है, कि जो भी तना से लेकर पत्तियों तक जड़ तक आपके स्वास्थ्य को बेहतर करती है, लेकिन अब नीम आपके प्रोडक्शन को भी, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी काम आती है। क्या है जरा बताइए आपका मॉडल? जैसे कि हिंदी में कहावत है, मैं वैसे मेरा नाम प्रियांशु है, मैं मेटलर्जी फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट से। जैसे कि हिंदी में कहावत है कि लीक कहीं लीक तीन चले कायर कूद कपूत और लीक छाड़ तीन चले सायर सिंह सपूत, तो मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब इंडस्ट्रीज में बहुत सारा लोहा होता है और बहुत सारे एल्यूमिनियम अलॉयज होते हैं, तो कोरोजन होता है जिससे बहुत सारा इकोनॉमिकल लॉस होता है कंट्री को, एंड दिस इज मेजर प्रॉब्लम। और हम जानते हैं कि आजकल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, वो इस दुनिया की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि हर बार जलवायु सम्मेलन भी इस बात पर बात होती है कि सतत पोषणीय विकास बहुत आवश्यक है इस मतलब दुनिया को बचाने के लिए। तो इसी में हमने एल्यूमिनियम अलॉयज जो होते हैं उनका कोरोजन जो हो जाता है, मतलब वो कोरोड हो जाते हैं, उनकी लेयर पे, मतलब अगर हम मॉइस्चर पे छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद उस पर एक लेयर बन जाती है जो उसकी जो मतलब प्रोडक्टिविटी होती है उसको ख़राब कर देती है। तो अभी तक जो हम उस कोरोजन को हटाने के लिए सिंथेटिक मेथड्स यूज़ कर रहे थे, कैथोडिक मेथड, एनोडिक मेथड और ऑर्गेनिक मेथड्स, अब हम यूज़ करेंगे एक वेरी कॉस्ट इफिशियंट एंड देसी मेथड जिसको बोलते हैं यूजिंग नीम सीड एंड गवा वाली एक्सट्रैक्ट इन H2SO4। तो इसमें करना क्या है, जैसे कि एल्यूमिनियम के प्लांट से आपने एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन किया, एल्यूमिनियम अलॉय का, जिसमें हम मेनली एल्यूमिनियम SI और मैग्नीशियम के अलॉय की बात करेंगे। जैसे ही उसका आप प्रोडक्शन करेंगे तो उसके बाद अलग से एक छोटा प्लांट आपको मतलब उस पर इस्टेब्लिश करना होगा, उस पर हम गवा वाली एक्सट्रैक्ट मतलब अमरूद की पत्तियाँ और नीम सीड्स जो नीम के बीज होते हैं उनको एक H2SO4 सॉल्यूशन का एक कोटिंग करेंगे उस पर, और उस कोटिंग के बाद फिर उसे हम छोड़ देंगे, तो उसका जो कोरोजन का जो रेट है वो काफ़ी हद तक घट जाता है। और हमने इसका डिफरेंट टाइप से ग्राफ वगैरह भी अपने चार्ट पेपर से बना रखा है वहाँ पे, कि कैसे कैसे मतलब चार्ट पेपर में आपने ग्राफ हाँ, पूरा दिखाया है। हाँ ग्राफ और मतलब पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि मैंने कैसे क्या किया है, कि पहले कैसे कोरोजन का रेट पहले क्या था और अब क्या हुआ है, पहले कोरोजन का रेट कितना ज़्यादा था और जब हमने एक्सट्रैक्ट का यूज़ कर लिया उसके बाद कोरोजन का रेट कितना कम हो गया। अच्छा तो बिल्कुल हमें तो लगता है 50% से कम हो गया है। अच्छा तो ये मैंने बहुत वेरी कॉस्ट इफिशियंट मेथड कहाँ यूटिलाइज होगा ये, मतलब जहाँ भी एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है, जहाँ पे भी, जैसे हम जानते हैं जो एल्युमिनियम होता है वो सेकंड मोस्ट यूज्ड एलिमेंट है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जहां भी एल्युमिनियम का प्रोडक्शन, जहां भी एल्युमिनियम के अलॉयज का प्रोडक्शन होता है वहां पे कोरोजन इनहिबिट करने के लिए यूज किया जा सकता है। एंड दिस इज वेरी कॉस्ट इफिशियंट एंड इको फ्रेंडली मेथड्स। अभी तक हम सिंथेटिक मेथड्स यूज करते थे जो कि कॉस्ट इफिशियंट नहीं थे और जलवायु को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे, तो हम उसके लिए अब हमने नया अल्टरनेटिव ढूंढा है, वो मतलब यही यूजिंग गवावा लीफ मतलब अमरूद की पत्तियां और नीम सीड्स का यूज। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे अपना नाम बताने के साथ जो आपने मॉडल बनाया है? सर मेरा नाम राहुल कुमार है, और हम लोगों ने ये एल्यूमिनियम एलॉय को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन तैयार किया है। उसमें एल्यूमिनियम एलॉय पे हम लोगों ने उनका कोटिंग किया है जिससे एल्यूमिनियम का प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसका कोरोजन कम हो। अच्छा। और वी कैन यूज उसकी कोटिंग करने से उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और हम लोग डिफरेंट जगहों पे उसका यूज़ कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ख्वाब किशोर है और
इसका मेन सर यही है कि जो इकोलॉजी है हमारा, जो हम ह्यूमंस हैं, बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, कहीं भी बहुत सारा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट डेवलपमेंट के साथ नेचर को भी हार्म कर रहे हैं सेम टाइम पे। तो हमें नेचर का भी ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ हम नेचर का यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे हमने नीम लीव्स और नीम सीड और हमने गुआवा लीव का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है, H2SO4 में हमने डिप किया सॉल्यूशन, जो हमारा अलॉय था एल्युमिनियम का उसमें हमने कोटिंग किया, जिससे उसका कोरोजन रुक रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को लॉस होता है, हर ईयर हम पढ़ते हैं कि कितना सारा इंडस्ट्रीज़ को लॉस हो गया, कि जो एल्युमिनियम है उनका कोरोडेड हो गया, कुछ टाइम के लिए हम लेफ्ट ऐसी स्पेस में छोड़ दिया, वो ख़राब हो गया। तो वो चीज़ों को लिए बहुत अच्छा रहेगा सर ये। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे जो हीरोज़ हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, फ्यूचर इंजीनियर्स हैं और आज के टाइम के, जो इन्होंने शुरुआत कर दी है कि नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करते हुए हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और जो हमारे पास चीज़ें बने वो कॉस्ट इफिशियंट बने। मतलब इन्होंने एल्युमिनियम के एरोजन, जो कि किसी भी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक चैलेंज होती है कि एल्युमिनियम का सेकंड यूज मोस्ट यूज मेटल है, तो यूज करते हैं हम और 2-3 सालों के बाद हमें उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, रीयूटिलाइज के लिए प्रोडक्शन को उसको लाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है या लगाना पड़ता है। आज अगर इसकी कोटिंग की जाए तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, जो कॉस्ट कटिंग होगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी और प्लस उसको उस मेटल को जो हम कहीं से निकालते हैं वो प्रिजर्वेशन जहां हमारी वो है वो बनी की बनी रहेगी। तो आने वाले टाइम में कहा जाता है कि जिसके पास मिनरल्स हैं, जिसके पास ऐसे आइडियाज़ हैं जो हमारे लोगों ने बताया, इन आइडियाज़ और ऐसे मेटल्स और ऐसे चीज़ों को लेकर कि जिसके पास होगा वही सबसे अमीर कंट्री होगा, जो मिनरल्स में अमीर हो और हमारे ऐसे जैसे जिन लोगों से आपकी बातें हुई, जिनकी बातें आपने सुनी, ऐसे लोगों का माइंड और ऐसे लोगों का इनोवेशन जिस कंट्री में ज़्यादा होगा वही कंट्री दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री होगा। तो मैं गौरव करता हूँ इन सबों पर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। टाटा नगर स्टील सिटी, आयरन एंड स्टील मेकिंग सिटी है ना। टाटा को कोई जानता है तो ज़्यादा है कि टाटा में स्टील और आयरन दोनों बनते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में हमारे बनते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री में बनते हैं, लेकिन टाटा में टाटा इसके नाम से ही जाना जाता है, लौह नगरी है। तो आपने जो मॉडल बनाया है क्या नाम है, अपना नाम बताने के साथ, और क्या इफिशियंट है ये और क्या किस तरीके से इसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने वाली है? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ऋषभ राय है और ये जो मॉडल हमने बनाया है ये क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंशियली इंडस्ट्रीज़ में कैसे आयरन और स्टील मेकिंग किया जाता है बेसिकली। जी सर, तो मैं पहले बताऊंगा कि हमने पास्ट मतलब जो पहले होता था, जो प्रेजेंट में हो रहा है और एक फ्यूचर का एक्सपेक्ट भी इसमें कवर किया है सर। तो सबसे पहले यहाँ इधर भी होते जाओगे कि रोशनी आ गया। जी सर, सर तो पहला प्रोसेस है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। सबसे पहले यहाँ पिट है सर, यहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। पीट से हमने मेटल को निकाला। जी सर, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेटर में वो मेटल सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको भेज देंगे ब्लास्ट फर्नेस में। जैसे नॉर्मल भाषा में बोले तो मैग्नेटिक सेपरेटर का मतलब होता है कि जैसे आपने लोगों को लोहा चुनते हुए देखा है तो लोहा को उस मेटल मैग्नेट के थ्रू उसको अलग कर लेते हैं, तो हमारे इंडस्ट्री में भी मैग्नेट यूज होता है और उसके जो कंटेंट्स हैं आयरन के साथ लगे हुए उससे अलग आयरन को कर लेते हैं, आयरन ओर को खास करके। फिर आगे बताइए। जी सर, उसके बाद ये जो आयरन ओर है इसमें हम लाइमस्टोन और कोकिंग कोल मिक्स करके इसे ब्लास्ट फर्नेस में भेजते हैं। जो आपका ये ब्लास्ट फर्नेस। जी सर, ब्लास्ट फर्नेस में सबसे पहले 1200 डिग्री सेल्सियस पे हॉट एयर का ब्लास्ट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि नीचे में जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसके ऊपर 1500 और ऊपर में 1200। तो उससे क्या होता है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं और उसमें हम फ्लक्स डालते हैं कुछ, जिसके वजह से जो इम्प्योरिटीज़ रहते हैं सर, स्लैग जिसे बोलते हैं, उसका डेंसिटी कम होता है और वो ऊपर आ जाता है। अच्छा। और जो मोल्टेन मेटल रहता है जो हम एक्सट्रैक्ट करना रहता है वो हम नीचे से निकाल लेते हैं। नियर 1500 सेंटीग्रेड टू 1800 सेंटीग्रेड। यस सर, मोल्टेन मेटल। यस सर, ठीक है। तो उसको हम नीचे से निकाल लेते हैं। यस सर, और स्लैग जो है वो ऊपर काफ़ी डेंसिटी लो होने की वजह से वो ऊपर आ जाता है, जिसको हम ऊपर एक पाइप कनेक्ट करके स्लैग को निकाल लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग मोल्टेन मेटल को निकालने के बाद बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के थ्रू उसको आगे प्रोसीड करते हैं, उसको आगे प्यूरीफाई करते हैं। तो बेसिकली
प्यूरीफाई करने के बाद हमारे पास बेसिक जी सर ये ब्लास्ट आयरन का ब्लास्ट फर्नेस का मॉडल है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मोल्टन मेटल जो हम लोग का तैयार हो गया है वो उसको पिग आयरन बोलते हैं, क्योंकि उसमें 92-94% आयरन रहता है और बाकी कॉन्टेंट कार्बन और इम्प्योरिटीज और रहते हैं। अब उसको इम्प्रूव करने के बजाय हम उनका डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं स्टील मेकिंग में, क्योंकि हमें स्टील बनाने में कार्बन कंटेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। तो उसके बाद तीन टाइप के हम लोग फर्नेसेस का यूज़ करते हैं। पहला है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, यस सर, या उसके अलावा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जिसमें हम लोग कार्बन एमिशन कम होता है इसलिए उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेसिमर कन्वर्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, और इसके आगे मेरे फ्रेंड प्रोसीड करें। बेसिमर कन्वर्टर सर पहले यूज़ होता था जिसमें मोल्टन पिग आयरन डाला जाता था और उसको फिर मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता था, बट इसका यूज़ अब नहीं होता। अब इसके जगह पर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस हो गया जो कि हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में चार्ज मटेरियल को इसमें डायरेक्टली एक्सपोज किया जाता है और इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से करंट पास किया जाता है और वो फर्नेस को हीट करता है इंस्टेड बाय ईडी करंट से वो सब चार्ज मटेरियल हीट होता है। और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में मेनली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है द स्टील, द साइड वॉल्स और लो बॉल स्टील, और दूसरा पार्ट है द हर्थ विच इज रिफ्रैक्टरी लाइन वेसल, और थर्ड पार्ट इज रूफ विच इज रिट्रैक्टेबल। एंड नाउ कमिंग टू बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, इन बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस मोल्टन पिग आयरन इज पोर्ड इन टू इट एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इज फ्लो फ्रॉम बॉटम एंड ऑक्सीजन कंटेंट रिड्यूसेज द कार्बन कंटेंट इन लो कार्बन इन पिग आयरन टू कन्वर्ट इट लो कार्बन कंटेंट इन आयरन पिग आयरन। तो ये जो मॉडल आपने डेवलप किया है, ये मॉडल का क्या एफिशिएंसी और क्या यूटिलाइजेशन? ये एक्चुअली अभी तक जो हम समझा रहे थे वो प्रेजेंट सिनेरियो था, बट एज अ मेटलर्जी स्टूडेंट हम चाहते हैं कि इसमें एक इनोवेशन आए, और ये प्रेरणा हमें मिली थी जब टाटा स्टील के VP हम एक पिछले कॉन्फ्रेंस में विजिट किए थे, उन्होंने आप लोगों के AMTC ओला उन्होंने टाटा स्टील के वाइस AMPTIC वर्कशॉप था जिसमें टाटा स्टील आयरन एंड स्टील मेकिंग के वाइस प्रेसिडेंट उत्तम सर आए थे। उन्होंने हाई सरना फ्यूचर स्कोप डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील का प्लानिंग है 2018 के अकॉर्डिंग अगर वो ब्लास्ट फर्नेस की जगह हाई सरना का यूज़ करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कार्बन एमिशन अराउंड 50% रिड्यूस हो सकता है। यस सर, इंडिया में अराउंड 930 मिलियन टन्स ऑफ CO2 हर साल रिलीज होता है। अगर ये हाई सरना आया इसके जगह तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज है उसको 50% कम तक कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा एयर पोल्यूशन में, हम ड्रास्टिकली CO2 लेवल्स कम कर सकते हैं। जैसे हमारे PM मोदी सर का भी ये प्रॉमिस है कि अब 2070 तक हम जीरो नेट जीरो एमिशन वाले कंट्री हो जाएंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा ये स्टेप आएगा। तो इसका नाम हाई सरना इसीलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं मॉडल में भी ब्लास्ट फर्नेस का हाइट अराउंड 32 मीटर्स रहता है, लेकिन जो हाई सरना बनेगा उसका हाइट अराउंड 2 times इसका, या 2 या 2.5 times जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके रेफरेंस में रहेगा, 100 मीटर। यस सर, तो इसीलिए इसका नाम है हाई सरना। और इसका फीचर्स है कि इसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसमें स्लैग जनरेशन कम होगा, CO2 एमिशन ज़्यादा होगा, और इसमें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाई सरना कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हाई सरना स्टार्टिंग में बनाने में कॉस्ट आएगा, ज़रूर ज़्यादा कॉस्ट आएगा, लेकिन उसके साथ जो ये सब नहीं लगेगा डायरेक्टली। हाई सरना एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगा जो अपने एक्ट कर सकता है, और ब्लास्ट फर्नेस का जो अभी डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकता है, और CO2 एमिशन को 50% कम कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर हम वन टाइम हम अपने आयरन ओर को इंट्रोड्यूस करेंगे और एकदम बेस्ट क्वालिटी का स्टील हम बाहर निकालेंगे। एग्जैक्टली, लो कार्बन एमिशन, 20 लो कार्बन। यस सर, दिस इज अ ग्रीन फ्यूचर। या दिस इज लाइक हेल्प व्हिच वुड हेल्प इन कंट्रोल। उसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन स्टील ना। यस सर, यस, ग्रीन स्टील डेफिनेटली। यस, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये हमारे जो जेम्स हैं उन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को देखिए एक उन्होंने सेमिनार से उस आइडिया को लिया। हम अपने हीरोज को अपने स्टूडेंट्स को सैल्यूट करते हैं कि आइडियाज सेमिनार से लिया जो पिछले दिनों ही NIT में की गई थी, और उस सेमिनार के आइडिया के बाद जो टाटा स्टील के VP आए थे उन्होंने बताया था उसके ऊपर इन्होंने मॉडल डेवलप कर दिया। मेरे ख्याल से एक मंथ में नहीं हुए हैं, विद इन 1 month या 2 and 3 weeks उन्होंने एक ऐसा डेवलप कर दिया मॉडल कि जो मॉडल आने वाले दिनों में टाटा कंपनी ही नहीं दुनिया के जितने आयरन एंड स्टील कंपनी मेकिंग कंपनी है जितना स्टील और आयरन बनाती है उस सब कंपनियों को यूटिलाइज करना होगा। तो यही है हमारे देश के गौरव। नमस्कार।
फ्रेंड्स, आपने अभी तक रेगुलर यूज टेक्नोलॉजी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है, तो ग्राफीन भी हमारी एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर में इसकी बड़ी यूटिलाइजेशन है। और हमारे फोर यंग चैफ्स जो हमारे NIT के हैं, हमारे कंट्री के ये सारे रत्न हैं और गौरव करती है इंडिया इन लोगों पर, इनके रिसर्च पे। तो सबसे पहले नाम बताइए और और ग्रेफीन का क्या यूटिलाइजेशन है वो बताइएगा। और आप लोगों ने डेवलप बोलो ग्रेफीन एक फ्यूचर। सर माय नेम इज अंकित राज, आई एम फ्रॉम मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट ऑफ NIT JSR फर्स्ट ईयर। सर हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया वो ग्रेफीन है सर। सर ये 6 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है सर। हम लोगों ने इसको क्ले से बनाया सर। सर इसका बहुत सारा यूज है, जैसे सर हम लोग इसको फोन्स होता है ना सर, वो बहुत छोटा फोन बना सकते हैं जो कि फ्लेक्सिबल हो सकता है सर। सर लिथियम का फ्लो कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन सर एक ग्रेफीन ही है जो इसको रोक सकता है सर। सर ये एक 6 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम टाइप का सर। इसका बॉन्ड लेंथ होता है सर 0.142 नैनोमीटर। और अगर सर ग्रेफीन के ऊपर हम ग्रेफीन रखते जाएंगे सर तो ये ग्रेफाइट बन जाता है। और उसका सीट का जो बीच का डिस्टेंस होता है सर वो होता है 0.335 नैनोमीटर सर। और आगे राजवीर बताएं। राजवीर जी बताएं। मेरा नाम राजवीर है और इसका अगर मतलब एप्लीकेशन देखा जाए तो एप्लीकेशन इसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में है और एनर्जी स्टोरेज में है। अच्छा। जैसे अभी आप देखते इतने बड़े बड़े बैटरीज हैं लिथियम, चार्ज होने में बहुत समय लग रहा है, पर ग्रेफीन में ऐसा नहीं है। ग्रेफीन सेकेंड्स में चार्ज करके देता है आपको। आप अभी लगाएं, प्लग किए, चार्ज हो गया। और साइज इतना छोटा कि जैसे अभी आते हैं आर्मी पे, जैसे पहाड़ पे चढ़ना होता है उनको, तो 14-14 किलो एक बंदा चढ़ता है लेके, और उसमें ही पहन के वो बैग लड़ता भी है और सामान भी कैरी करता है। पर अगर ग्रेफीन अगर आ जाता है तो उनके कपड़ों में वो सिला जा सकता है, वो बैटरी के द्वारा कपड़ों में सिल देंगे उसको, और उनका वेट पूरा घट जाएगा और हमारे सैनिक पूरा पोटेंशियल से लड़ पाएंगे, फुल पोटेंशियल से लड़ पाएंगे। वो हो गया एनर्जी स्टोरेज। और इलेक्ट्रॉनिक्स में बात रहा तो ग्रेफीन इतना फ्लेक्सिबल है कि एक रिस्ट बैंड आप फ़ोन चलाएं, रिस्ट बैंड पहने, वही फ़ोन हो गया। मैंने फ़ोन को आप वॉच भी बना सकते हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी पेपर जैसा मोड़े लेके चल गए कहीं भी। अच्छा, ये है ग्रेफीन। वाह, तो ये अभी कहाँ यूज हो रहा है? कहीं अभी मतलब अभी सिर्फ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने इसको लार्ज स्केल पे बनाया है और एक दो कंपनीज जो बना रही है, पर इसका प्रोडक्शन थोड़ा अभी कॉस्टली है, इसीलिए अभी लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं हो पा रहा है, पर आने वाले फ्यूचर में ज़रूर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐड करना चाहते हैं सर, सर जैसे ग्रेफीन है ना सर, वो क्या बोलते हैं सर, एक मिनट सर, इसका सर हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन में भी यूज कर सकते हैं सर। इससे हम लोग सेंसर बना सकते हैं जो किसी भी माइन्यूट डेंजर को भी हम लोग सर पकड़ सकते हैं उसमें सर। अगर सर कोई, ये इतना सेंसिटिव होता है सर इसका सेंसर कि ये एरिया देख के बता सकता है कि सर यहाँ पे हम लोग किस टाइप का क्रॉप उगा सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा नाम प्रीतम है, BTech फर्स्ट ईयर, मेटलर्जी। मेटलर्जी इसका कंपोजिट और कोटिंग सेक्शन में भी बहुत यूज होता है। जैसे ग्राफीन पेंट ले लेंगे, उसको शीप में पेंट कर देंगे तो उसका जो करोजन है उसमें नहीं होता है, वही मेन यूज़ है। और कंस्ट्रक्शंस ऑफ एयरक्राफ्ट में भी होता है यूज़, जिसमें उसका फ्यूल का एफिशिएंसी बढ़ जाता है अगर एयरक्राफ्ट में ग्रेफीन यूज़ करेंगे, और उसका लाइट हो जाता है वेट जो एयरक्राफ्ट रहता है। और एक है जो हम लोग जूता पहनते हैं, ये सब में भी ग्रेफीन का यूज़ है। और साइकिल का जो ट्यूब है, बाईसाइकिल ट्यूब्स है, ये सब में भी ग्रेफीन का यूज़ होता है। अच्छा, मेरे मन में उत्सुकता हो रही है, ग्रेफीन बनता कैसे है, क्या है? ग्रेफीन बनता जैसे एक आप पेंसिल होता है, वो उसकी निप ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट होता है। तो जब आप ग्रेफाइट जैसे इतना मोटा है हम लोग देख पा रहे हैं, तो जब उसका सिंगल लेयर दिखाएंगे ना, आँख से नहीं दिखेगा। तो मतलब माइक्रोस्कोप से दिखेगा, वो एक मटेरियल है, बहुत बहुत थिन है, इसीलिए। और उसका कुछ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है कि उसमें पार नहीं होता है, मतलब वाटर सबसे कुछ, और 1000 टाइम्स थिकर है पेपर से। अच्छा। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है, वो सब तो है ही। और एक है कि वो ट्रांसपेरेंट भी है, वो स्टील से भी स्ट्रॉन्गर होता है, स्टील से भी, और वो इतना पतला फिर भी वो स्ट्रिंग से स्ट्रॉन्गर होता है, फ्लेक्सिबल भी है सर, फ्लेक्सिबल भी है। ग्रेट, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम प्रेम कुमार टुडू है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से NIT जमशेदपुर। सर ग्रेफीन एक का एक बहुत खास प्रॉपर्टी है कि वो सेपरेट बहुत अच्छा से कर लेता है। जैसे कि कहते हैं जल ही जीवन है, तो सर वाटर को वो किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से सेपरेट कर सकता है, या फिर किसी गैस मिक्सचर से सेपरेट कर सकता है, और उससे हम लोग वाटर प्योरीफाई कर सकते हैं लार्ज स्केल में। बस वही एक दिक्कत है कि अभी ग्रेफीन लार्ज स्केल में प्रोड्यूस नहीं हो रहा। एक बार अगर लार्ज स्केल में ग्रेफीन प्रोड्यूस हो गया तो सर वाटर प्योरीफिकेशन में बहुत काम आएगा, गैस प्योरीफिकेशन भी कर सकते हैं सर, डिस्टिलेशन भी होगा, तो ऐसे बहुत सारे यूजेस है ग्रेफीन के। तो हमारे यहाँ तो ग्रेफाइट के माइनिंग्स हैं, और लेकिन उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, मतलब उसके ऊपर और काफ़ी काम करने के लिए। फ्यूचर प्रोजेक्ट है, फ्यूचर प्रोजेक्ट है, या काम हो रहा है। देखिए मैं ये जरूर चाहूँगा कि आने वाले टेक्नोलॉजी जो इन्होंने बताया,
या बताइए बताइए सर, ताइवान में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए वो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, वहीं पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर ये सब बनते हैं। अच्छा, आप आइए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ग्रेफीन है ना, आपने सुना होगा ग्रेफाइट, आपने पेंसिल से लिखा होगा, सभी स्टूडेंट्स पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल का यूटिलाइज करते हैं, उसमें ग्रेफाइट होता है, लेकिन उसी ग्रेफाइट मतलब वही एक फैमिली है जिससे ग्रेफीन से ही ग्रेफाइट या उसके तरीके की चीज़ें बनती हैं। तो ग्रेफीन जो आपने जैसे इन्होंने बताया है कि वो स्टील से भी स्ट्रॉन्गर, फ्लेक्सिबल, पेपर से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल, पानी से भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और स्ट्रॉन्गर, और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कि आप अगर उससे कोई भी मेटल, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ की कोटिंग करते हैं तो उसके ऊपर रुकावट भी होती है। टेक्नोलॉजी में खास करके जैसे बताया कि अब आने वाले दिनों में जो इकोनॉमी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनने वाली है, आने वाले दिनों में ऐसी टेक्नोलॉजी बनेगी जो पोर्टेबल हो, हम कहीं भी लेकर जा सकें, ड्यूरेबल हो, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। तो एक ग्रेफीन का जो हमारे हीरोज ने, हमारे इंजीनियर्स ने जो बताया कि आने वाले दिनों में छोटे से छोटी चीज़ों में, खास करके अगर चिप बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाते हैं, तो ग्रेफीन का यूज होगा, और खास करके डिफेंस में। हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि हम इतना एक्यूरेसी इसके थ्रू रख सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंटेलिजेंस एनर्जी, जो इंटेलिजेंस इंडस्ट्री है खास करके, उसमें यूटिलाइज करेंगे कि कोई भी चीज़ों का एक्यूरेट एक डायग्राम, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कि इस टाइम पे इस तरीके का फसल डैमेज होने वाला है, ऐसा इंट्रोड्यूसर, ऐसा बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति आ सकता है, उसकी पूरी डाटा साइंस को एनालिसिस कर लेगी। मतलब टेक्नोलॉजी में खास करके मोबाइल, डिफेंस, एग्रीकल्चर और आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजी में जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं, या जो भी आने वाले दिनों में जो हमारा कोई भी ऐसा टेक्निकल पार्ट है कि जो बहुत बिग और बहुत वेग है, उसको बहुत ही स्मॉल और स्मॉलर किया जा सकता है। तो ग्रेफीन आने वाले दिनों का एक अपने आप में क्रांति है, मतलब इसको क्रांति ही कहा जाएगा। और आज के दिनों में गौरव है हमारे इंडिया पर कि हमारे इस जैसे इंजीनियर्स के माइंड में ये बात आई और इन्होंने ग्रेफीन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और अगर उसी तरीके से जैसे एक कंट्री का नाम उन्होंने लिया कि वो इसका ताइवान जो यूटिलाइज करता है, और पूरी दुनिया में एक बहुत छोटा सा कंट्री दुनिया में टेक्निकल वर्ल्ड लीडर जैसा काम करता है, और चाइना इसीलिए उसके ऊपर इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से बात करता है कि भाई ताइवान जैसा हमें बनना है, दुनिया के सारे देश ताइवान जैसा बनना चाहते हैं। तो आज ग्रेफीन का जो इन्होंने काम किया है, जो ग्रेफीन का फ्यूचर है, वो बहुत ही बेस्ट है। अगर इसका हम यूटिलाइज करें तो कॉस्ट कटिंग या प्रोडक्शन में 90% कॉस्ट को कट कर सकते हैं, 99% वेट को कम कर सकते हैं, और 100% कैरेबल, ड्यूरेबल, और हमारे कंट्री के सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल है, पूरी दुनिया के लिए यूजफुल है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ।